उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्य की रायबरेली और अमेठी सीटों से गांधी परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की है। इसको लेकर आज शाम 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता वाली राज्य चुनाव समिति ने लखनऊ में अपनी पहली बैठक के बाद सर्विस समिति से ये सिफारिश की है। कांग्रेस की बैठक में उन 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई जो इंडी गठबंधन के तौर पर कांग्रेस को मिली है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार शाम को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगी, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सीटों पर चर्चा होनी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक शाम 6 बजे बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी के भी शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा होनी है। इससे पहले कांग्रेस ने 8 मार्च को 39 लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है। घोषित कुल 39 उम्मीदवारों में से 16 केरल से, 7 कर्नाटक से, 6 छत्तीसगढ़ से और 4 तेलंगाना से है। मेघालय से 2 और नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप से 1 के हैं। 7 मार्च को हुई पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि इन 39 उम्मीदवारों में से 15 सामान्य वर्ग से हैं और 24 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। उल्लेखनीय है कि बीजेपी पहले ही 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने की संभावना है।